छत्तीसगढ़ के मंत्री कवासी लखमा एक बार फिर अपने बयान से चर्चा में हैं। कवासी लखमा ने भाजपा की प्रदेश प्रभारी डी पुंडेश्वरी को पहले फूलन देवी कहा, फिर हंसने लगे। पुंडेश्वरी ने प्रदेश में हो रहे मतांतरण पर राज्य सरकार को एक दिन पहले घेरा था। पुंडेश्वरी ने कहा था, मतांतरण रोकने में प्रदेश सरकार असफल है। प्रदेश में जब से कांग्रेस की सरकार आई है, मतांतरण के मामले बढ़े हैं। भूपेश सरकार के मंत्री कवासी लखमा ने भाजपा नेता छत्तीसगढ़ की प्रभारी डी पुंडेश्वरी को फूलन देवी कहा। भाजपा नेता को फूलन देवी कहने के बाद वे हंसते हुए सॉरी सॉरी कहते दिखे हैं। लखमा ने कहा कि वे व्हाट्सएप में देखकर मतांतरण का आरोप लगा रही हैं। पुंडेश्वरी हैदराबाद से हवाई जहाज से आई हैं, उनको बस्तर का भूगोल तक नहीं मालूम है। कांग्रेस सरकार आने के बाद बस्तर में कोई मतांतरण नहीं हुआ है। आदिवासी बहुत संगठित हैं, भाजपा के लोग नहीं बोलेंगे तो नागपुर से डंडा पड़ेगा। फूलन देवी क्या नाम? फूलन वो आ ही रहे हैदराबाद से, ऊपर आवाज से आई। तुम लोग मीडिया में जो भी व्हाट्सएप आया उसी को देखिए। बस्तर का भूगोल, बस्तर का क्षेत्र को नहीं देखा है। बस्तर में भारतीय जनता पार्टी 15 साल में कितना समर्थन हुआ है? हमारा सरकार आने के बाद कोई धर्मांतर नहीं है। ये कोई आदिवासी लोग बहुत संगठित है और आदिवासी लोग अपना देवा देवी देवता को मानने वाला है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखन न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।